डेयर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर थार्ड नॉर्थ माउंटेन दिस इज सेकेंड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर लास्ट वीडियो भी डिसकस अबाउट द माउंटेन ऑफ हिमालय डिस्कस इन अबाउट द हिमद्री या ग्रेटर हिमालय एंड मिडल हिमालय इन दिस वीडियो वी डिसकस नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर लेट्स लोअर हिमालय शिवालिक तो सदर्न मोस्ट एंड द लो लोएस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कोल्ड शिवालिक मीन जो सदन मीन साउथ के ओर जो माउंट हिमालय माउंटेन है फॉर एग्जांपल इस टाइप की माउंटेन है उसके बाद नेक्स्ट सेकंड हो गया थर्ड हो गया ठीक है जो थर्ड है लोअर हिमालय इसे शिवालिक कहा जाता है जो हिमालय हिमालय के सदर्न साइड में है साउथ साइड में ये है और इन्हें शिवालिक रेंज कहा जाता है और लोएस्ट रेंज है ये बहुत इन इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है इट इज़ मेड ऑफ हिल्स रैदर दैन माउंटेन ये हिल्स के से और माउंटेन से बनी हुई है द स्लोफ आर कावर्ड विद थिक फॉरेस्ट विच आर होम ऑफ वरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स मीन इसकी फीचर क्या है यहाँ पे फॉरेस्ट हैं घने फॉरेस्ट हैं और यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स की वरायटी बहुत मिलती है एनिमल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं द एरिया एट द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक रेंज इज़ कॉल्ड तराई तो जो नीचे का एरिया है भी, भी फुट हिल्स नीचे का एरिया है उसे क्या कहा जाता है उसे तराई कहा जाता है अभी शिवालिक रेंज का जो नीचे का एरिया है उसे तराई कहा जाता है इट रिसीव्स हैवी रेनफॉल एंड द लैंड इज फर्टाइल मीन यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है और यहाँ की लैंड बहुत ही फर्टाइल है उपजाऊ है डिफोरेस्टेशन इन द शिवालिक एंड द तराई रीजन ऑफ वुड एंड फार्मलैंड हैज़ डिस्कवर्ड मैनी ऑफ़ द डिस्ट्रॉड मैन ऑफ द फॉरेस्ट मीन यहाँ पे क्या है कि फर्टाइल लैंड है और यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन का किया जा रहा है मीन जो फॉरेस्ट है उनको काटा जा रहा है और यहाँ पे उनको काटने के बाद फॉरेस्ट उनके बाद एग्रीकल्चर स्टार्ट की जा रही है और जो फॉरेस्ट है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया काट दिया गया है द गर्नमेंट हैज मेड सेम सबर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया सच एज दरवेल्ट नेशनल पार्क एंड द काजीरंगा नेशनल पार्क टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन एंड प्रोटेक्ट एनिमल्स गवर्नमेंट भी इसकी और काफ़ी जो स्टेप्स है वो ले रही है और उन्होंने कुछ जैसे कि कोरबेट नेशनल पार्क है उसको अनाउंस कर दिया है और काजीरंगा नेशनल पार्क बना दिया गया ताकि जो फॉरेस्ट है उसको काटा जा रहा है उसे डिफॉरेस्टेशन के लिए और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मीन जो फॉरेस्ट है उनको काटा जा रहा है उनको ना काटा जाए और उसके बाद जो वहाँ के एनिमल्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सके तो प्लांटिंग ऑफ द ट्रीज ऑल्सो तो बिंग टेक अप एंड थ्रू एफोरेस्टेशन मीन जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लगाए रह जा रहे हैं मीन फॉरेस्ट जो काटे गए थे अब उनकी ओर ध्यान दिया जा रहा है ठीक है मनाली हिमाचल प्रदेश की जगह है और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है आसाम में है ये वाइल्ड बफेलो इसमें है तराई के अंदर भी है नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ द हिमालय हिमालय हमारे कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसकी सिग्निफिकेंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट इज द हिमालयाज़ एक्ट लाइक नेचुरल बाउंड्री ऑन ऑन आवर नदन बॉर्डर एंड प्रोटेक्ट आवर कंट्री फ्राम फॉरनर इन्वेंसन सिंस हिस्ट्री टाइम मीन क्या है कि जो आपका हम हाँ, इंडिया है इंडिया की नंदन साइड में है नदन साइड में नॉर्थ साइड में है और ये एक बॉर्डर का काम रोल प्ले करता है और जो दूसरे देश के लोग थे मीन फॉरनर थे जो यहाँ पे अटैक करने आए थे तो उनसे बहुत ज़्यादा हिस्ट्री टाइम में हमारी प्रोटेक्ट की हमारी रक्षा की नेक्स्ट इज दे आर द प्रिवेंट आज फ्रॉम द कोल्ड विंडस ब्लो फ्रॉम द नदन एशिया मैं नॉर्थ एशिया की ओर से जो बहुत ज़्यादा ठंडी कोल्ड विंड्स आने वाली चीज उनसे हमें प्रिवेंट करता है उनको रोक देता है द हिमालय स्टॉप द मॉनसून विंड्स फ्रॉम गोइंग फर्दर नॉर्थ एंड द ब्रिंग हैवी रेनफॉल इन द नदन प्लेन्स ऑफ इंडिया मीन हिमाल जो मॉनसून आती है उसकी जो विंड्स होती हैं उनकी हवाओं को वो हिमालय माउंटेन रोक लेता है और जिसके कारण हम जो नॉर्थ प्लेन्स हैं इंडिया के नॉर्थ प्लेन्स हैं उसमें बहुत अच्छी बारिश हो जाती है द फॉरेस्ट ऑफ हिमालय रीजन्स आर होम्स ऑफ सवरल वाइल्ड एनिमल्स एंड ऑल्सो सोर्स ऑफ गुड मेडिक मेडिसिन एंड यूजफुल थिंग्स मीन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हैं यहाँ वाइल्ड एनिमल रहते हैं और ये लकड़ी का बहुत बड़ा सोर्स है यहाँ दवाइयाँ मेडिसिन मिलती हैं जड़ी बूटियाँ मिलती हैं और यूजफुल थिंग्स मिलती हैं नेक्स्ट इज द सवरल रिवर्स औरजिनेट फ्राम दिस एरिया तो यहाँ से बहुत ज़्यादा रिवर्स हैं वो ओरिजिनेट होती हैं और दे प्रोवाइड अस वाइल्ड प्रोवाइड अस वाटर हमें पानी एंड फर्टाइल लैंड उपजाऊ जमीन ये प्रोवाइड करवाते हैं डैम बिल्ड ओवर दीज रिवर्स प्रोवाइड अस विद इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैम्स बनाए गए हैं जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं तो इस प्रकार हिमालय के बारे में हमने डिस्कस किया अब हम डिस्कस करेंगे कि जो नदन माउंटेंस हैं हिमालय माउंटेन के लोग रह रहे हैं उनके बारे में ठीक है तो इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स हैं जो नदन माउंटेंस माउंटेन्स में आते हैं दीज आर जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम वेस्ट बंगाल आसाम नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश ये एरिया हैं जो रह रहे हैं हम इसमें से अब इस वीडियो में कम दो या तीन डिस्कस करेंगे फर्स्ट आता है जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर क्या है कि इंटायरली माउंटेंस एरिया है मीन माउंटेन ज़्यादा है जम्मू कश्मीर में और और इट ऑब्जर्व वेरी ओल्ड इन कोल्ड इन विंटर विंटर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड पड़ती है श्रीनगर है इसकी समर कैपिटल है गर्मियों में श्रीनगर रहती है और जबकि विंटर एरिया में श्रीनगर में बहुत ज़्यादा ठंड इंक्रीज हो जाती है बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाती है तो ऐसे में जम्मू कस... जम्मू को विंटर कैपिटल कहा जाता है जम्मू में जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किया जाता है प्रशासनिक कार्य किया जाता है जम्मू से किया जाता है गर्मियों सर्दियों के अंदर विंटर में और जबकि समर में गर्मियों में श्रीनगर में काम किया जाता है बहुत ही ब्यूटीफुल वैली है और टूरिस्ट स्पॉट है लोग बहुत ज़्यादा यहाँ घूमने आते हैं और जो यहाँ के टॉप एरिया हैं ये स्नो से कवर्ड रहते हैं जो माउंटेन है स्नो से कवर्ड रहती हैं और इसमें डल और भुल्लर लेक हैं जो बहुत ही बहुत ही लवली हैं बहुत ही अच्छी हैं तो हाउस के बारे में डिस्कस करते हैं हाउस आर ऑन द बोट्स आर कार्ल्ड हाउस बोट्स मीन बोट के ऊपर ही हाउस बनाया जाता है उसे बोट हाउस का आ जाता है हाउस बोट का आ जाता है और यह लेक के ऊपर फ्लोट करती है तैरती रहती है और ये होटल के लिए मोस्टली यूज एज अ होटल यूज किए जाते हैं इनका और जो बोट है उसमें शिकारा है यूज फॉर बोटिंग एंड फ्लोटिंग शॉप शॉप्स तो इस प्रकार वहाँ पर जैसे कि जो बोट्स हैं उसी को घर बनाते हैं या ये होटल के रूम में प्रेजेंट करते हैं ताकि टूरिस्ट वहाँ पे अच्छे से रह सकें तो ट्रेडिशनल ये लूज कुर्ता पहनते हैं जो मैन है और वुमेंस है कश्मीर की इज कॉल्ड फिरान मीन जो ट्रेडिशनल जो कुर्ता होता है जो लोगों के द्वारा मैन और वुमेन के द्वारा पहनना जाता है उसे फिरान कहते हैं और ये विंटर में उनको बॉम रखता है गर्म रखता है और कश्मीर में क्या करते हैं लोग एक एक अर्थन पोट रखते हैं ठीक है मिट्टी कोई बर्तन रखते हैं और उसके अंदर को कोला डाल लेते हैं थोड़ा सा वो बर्निंग होता है जलता रहता है और उसे कंगरी कहते हैं और वो जो उन्होंने पहरीन पहना है उसके नीचे रखते हैं मीन जो पोट है पोट के अंदर थोड़ा सा जो कोयला है उसे सुलगाया और जो आप पहनना है फिरान उसके नीचे वो रख लेते हैं अगर बाहर जाते हैं इससे क्या होता है उनका जो बॉडी टेम्परेचर बहुत कम नहीं होता मीन उन्हें हीट रहती है थोड़ी सी गर्मी बनी रहती है और यहाँ पर हैंडी का, का काम बहुत अच्छे से किया जाता है तो उसमें हैंडी वर्क फ्रॉम बूड ब्रास सिल्वर एंड पेपर मैच सैफरन इज़ द स्पेशल क्रॉप ऑफ द स्टेट मीन सैफरॉन है जो बहुत सी अच्छी क्रॉप यहाँ पे मानी जाती है और यहाँ पे जैसे कि कुछ काम किया जाता है हाथ से अच्छे अच्छे डिजाइन बनाए जाते हैं लकड़ी के ऊपर बना देते हैं पित्तल के ऊपर बना देते हैं सिप देते हैं सिल्वर के ऊपर बना देते हैं और यहाँ पेपर मच्छ भी बनाए जाते हैं माचिस की डिब्टी डिब्बी हैं वो भी बनाई जाती हैं और इनकी लैंग्वेज हैं जो कश्मीरी डोगरी उर्दू लद्दाखी ये इनकी लोगों की लैंग्वेज है जो बोली जाती है। शिवरात्रि और ईद इनके दो फेस्टिवल हैं जो यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं और यहाँ के कहवास और ड्रिंक टी यहाँ पे ज़्यादातर पीते हैं और यहाँ के जो टूरिस्ट प्लेस हैं उसमें श्रीनगर है पहलगाव है गुलवर्ग है ठीक है और यहाँ पे टेंपल्स है वैष्णो देवी टेंपल्स और अमरावती केव तो नेक्स्ट आता है आपका हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश एक ब्यूटीफुल स्टेट है और इसकी जो कैपिटल है वो शिमला है थाउजेंड टूरिस्ट हिल स्टेशन है यहाँ पे शिमला डलहौजी डल कुल्लू मनाली यहाँ पे एवरी ईयर बहुत ज़्यादा लोग टूरिस्ट आते हैं टोय ट्रेन है जो कालका से शिमला में चलते हैं बहुत ही अट्रैक्शन का की स्पेशल ट्रेन है लोग इसकी ओर आकर्षित होते हैं जो क्लाइमेट है आइडियल रहता है पूरे फ्रूट्स फुरु, के लिए यहाँ डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं एप्पल है चेरी है प्लम्प है एप्रिकोट है पीच है तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा फ्रूट्स यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं मोस्ट ऑफ पीपल हैं जो फार्मर हैं वो जो लाइफ स्टाइल है रिसेंबल द जम्मू कश्मीर में जैसे जम्मू कश्मीर का लाइफ स्टाइल है जैसे जम्मू कश्मीर के लोग रहते हैं ऐसे ही ये लोग रहते हैं जो ट्रेडिशनल जो कपड़े हैं क्लोथ्स हैं जो पहनते हैं जैसे कि टाइट पजामा और लूज कुर्ता पहना जाता है और ऊपर स्क्रेव्स पहनते हैं स्कार्ब्स पहनती हैं जैसे कि मफलर टाइप का वो पहनती हैं देयर अराउंड हेड है, हेड के अराउंड और मैन होते हैं वियर टाइट पजामा टाइट पजामा पहनते हैं लूज कुर्ट्स पहनते हैं और और कलरफुल हिमाचली कैप वो पहनते हैं सर के ऊपर वो कैप ले लेते हैं तो यहाँ जो मैन है कुछ एम्ब्रॉयडर्ड कैप भी एम्ब्रॉड कैप्स और वूमेन है जो वेयर ब्राइट स्कार्फ स्कार्फ पहनती हैं इनकी हो हो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है हिंदी है और जो मोस्टली पीक हैं स्पीक है जो ज़्यादा बोली जाती है पहर, पहरी बोली जाती है पंजाबी बोली जाती है किनोरी बोली जाती है और यहाँ का फेस्टिवल है जो दशहरा और दिवाली है और दशहरा जो कुल्लू में सेलिब्रेट किया जाता है वो ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया जाता है और रिमेनिंग ऑफ दिस चैप्टर डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो थैंक यू स्टूडेंट